शामदीप कहते हैं अपने नए प्रोग्राम में जिसका नाम है रोशन किड्स। इसमें होंगे मजे मजे के सेगमेंट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगी हमारे साथ मौजूद ये बच्चियां। आइए सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुलिस सिरात पर नूर है। जो जुम्मे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। यहाँ मौजूद मेरे साथ दो बच्चे हैं, इनमें से किन को तिलावत कुरान पाक और नाज शरीफ आती है? सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। बात क्या है बात सवा इतनी क्यों आदर है, बात क्या है बात सवा इतनी क्यों आदर है, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। सोच जाऊं मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे आका, सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे। नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने। प्यारी बच्ची और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, अब आ चुके हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ। प्यारी बच्ची, आज हम अपने सेगमेंट में अल्लाह पाक का एक मुबारक नाम सुनेंगे और उसे याद भी करेंगे। प्यारी बच्ची, वो मुबारक नाम है समय। आइए मैं आपको इस नाम की मीनिंग भी बताती हूँ। इसका मतलब है सुनने वाला। प्यारी बच्ची, अल्लाह पाक हर बात को सुनता है, चाहे वो बुलंद आवाज से कही जाए या आहिस्ता आवाज से, बल्कि वो तो हमारे दिलों के हालात भी जानता है। प्यारी बच्चियों, इस नाम मुबारक की बहुत सारी बरकतें हैं। आइए मैं आपको एक बरकत सुनाती हूँ। जो कोई यह समय को 100 मर्तबा रोजाना पढ़े और इस दौरान किसी से बातचीत ना करे और पढ़कर दुआ मांगे, इंशाल्लाह जो दुआ मांगेगा वो पूरी होगी। प्यारी बच्चियों, आपने सुना या समय के कितने प्यारे फजाइल हैं। जो 100 मर्तबा पढ़कर दुआ मांगे इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आइए या समय का सब मिलकर विर्द भी करते हैं। या समय ओ, 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 या समय ओ। प्यारी बच्चियों, ये हमने सुना या समयों के बारे में और हमने या समयों का विर्द भी किया। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीनों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है गिनती से जवाब। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने। प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूं। मेरे लिए
आकाश दिख रहा होगा। मैं यहाँ मौजूद कुछ बच्चियों से सवालात करूँगी और बच्चियों को जवाब आकाश के मोती गिन कर देना होगा। जी तो प्यारी बच्चियों, अपनी एक्टिविटी शुरू करें। जी तो ये एक्टिविटी हमारे साथ कौन खेलना चाहेगा? जी आप आ जाए। टीम बी से तो हमारे पास एक बच्ची आ चुकी है, अब हम बुलाएंगे टीम ए से। टीम ए से हमारे साथ कौन आना चाहेंगी? जी आप आ जाए। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने। जी तो आप दोनों रेडी हैं? जी। जी आपको पता तो है ना क्या करना है? जी। जी तो मेरा आप दोनों से पहला सवाल है, फजर की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? अब आपने अबकस के मोती गिन के जवाब देना है। जी तो शुरू कीजिए। रोशन किरने रोशन किरने रोशन। जी माशाल्लाह, वे दोनों ने सही जवाब दिया है, लेकिन जल्दी जवाब हमें दिया है टीम ए की आयशा बाजी ने। जी जज़ाकअल्लाह, अब आप दोनों बैठिए। अब हमारे साथ अगले सवाल के लिए टीम ए से कौन आना चाहेंगी? रोशन किरने। जी आप। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने। टीम ए से तो हमारे साथ आ चुकी है नूर फातिमा बाजी। जी टीम बी से आप हमारे साथ कौन आना चाहेंगी? रोशन किरने। जी आप। हम आए तो दूर अंधेरा हो। जी टीम ए से हमारे साथ मौजूद है नूर फातिमा और टीम बी से भी हमारे साथ मौजूद है नूर फातिमा। जी तो आप दोनों को पता चल गया होगा कि इस सेगमेंट और एक्टिविटी में क्या करना है, तो आप दोनों रेडी हैं? जी। जी तो मेरा आपसे ये सवाल है, पानी कितने सांस में पीना चाहिए? रोशन किरने। जी तो दोनों ने ही दुरुस्त जवाब दिए है, दोनों ने ही सही जवाब दिया है। जी तो कितने सांस में पानी पीना चाहिए? जी आप दोनों का जवाब दुरुस्त है, आप लोग तशरीफ रखिए। रोशन किरने रोशन किरने रोशन। जी अब मेरे साथ टीम में से कौन आना चाहेंगी? रोशन किरने रोशन किरने। आप आ जाए। रोशन किरने रोशन किरने रोशन। अब टीम बी से मेरे साथ कौन आना चाहेंगी? जी आप आए। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने। हम आए तो दूर अंधेरा। जी मौजूद है आयशा अत्तारिया और टीम बी से हमारे साथ मौजूद है कनीस फातिमा। आप दोनों को एक्टिविटी का रूल भी बताया और कैसे करते हैं ये भी। तो मेरा आप दोनों से सवाल है, लफ्ज़ अल्लाह में कितने हरूफ हैं? जी आप दोनों ने जल्दी जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया है आयशा अत्तारिया ने। जी आपका जवाब दुरुस्त है। जी बच्चियों, अल्लाह पाक के नाम में कितने हरूफ होते हैं? जी आपका जवाब भी दुरुस्त है। आप दोनों बैठिए। जी प्यारी बच्ची, अब आप बताएं टीम ऐसे मेरे साथ कौन आएंगे? रोशन किरने रोशन किरने। जी आप आए। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने रोशन। जी टीम ऐसे तो हमारे साथ मौजूद है मानूर काशिफ। जी टीम बी से हमारे साथ कौन आएंगी? जी आप आए। हम आए तो दूर अंधेरा हो जाए रात खिल। जी टीम बी से हमारे साथ मौजूद है हलीमा सादिया। जी तो अब आप दोनों को भी रूल पता है, अब मैं आपसे करूंगी सवाल। जी तो अब मेरा आप दोनों से ये सवाल है, अल्लाह पाक ने कितनी जन्नतें बनाई हैं? आप दोनों ये मोती गिन के जवाब दीजिए। जी अब देखते हैं किसका जवाब दुरुस्त है। आपने तो सिर्फ चार मोती एक्साइट किए हैं और आपने किए हैं 8। आपसे हो गई है गलती, जन्नतें चार नहीं बल्कि 8 हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारी बच्चियों, जन्नतें कितनी हैं? 8। जी आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी अब कौन आएगा हमारे साथ? हम आए तो दूर। आप आ जाए। जी तो अब आप दोनों को भी रूल पता है, अब मेरा आप
दोनों से सवाल है, फजर की अजान में कितने अल्फाज हैं? मोतियों से जवाब देना है आप दोनों को। अब आपका टाइम हो चुका है अब, और आप दोनों ने दे दिया है जवाब। अब देखते हैं आप दोनों में से जवाब किसका दुरुस्त है। तो दूर अंधेरा हो, आपने किए 10 मोती इधर, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात, आपने किए 13 और आप दोनों का जवाब गलत है। बच्चियों फजर की अजान में कितने अल्फाज है? 17। जी 17 अल्फाज है फजर की अजान में। चले आप दोनों बैठे। अब टीम में से हमारे साथ कौन आएंगी? जी आप दोबारा आ जाएं। जी अब बच्चियां हो गई कंप्लीट, मगर हमारे पास सवाल आते हैं बाकी। अब हम बच्चियों को दोबारा बुलाएंगे। जी अब टीम बी से हमारे साथ कौन आएंगी? जी आप दोबारा आ जाएं। मेरा आप दोनों से सवाल है, कितने हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए? तो दूर अंधेरा। जी दोनों ने बहुत जल्दी जवाब दिया, सुभान अल्लाह। जी तो प्यारी बच्चियों कितने हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए? दो। जी दोनों हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए। जी आप दो लोग बैठे। जी टीम से हमारे साथ कौन आएंगी? आप आए। जी टीम बी से हमारे साथ कौन आएंगी? अब जी आप आए। जी तो मेरा आप दोनों से सवाल है, एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगाए जाते हैं? जी आयशा अत्तारिया जवाब नहीं दे पाई और कनीस आत्मा का जवाब दुरुस्त है। जी बच्चियों एक बार सुभान अल्लाह कहने से कितने दरख्त लगाए जाते हैं? जी अब आप दोनों बैठे। बच्चा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने मेरे पास टीम में से हमारे साथ कौन आना चाहेंगी? जी आप आए। जी तो टीम बी से हमारे साथ कौन आना चाहेंगी? जी आप आए। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से। जी तस्बीह फातिमा में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार पढ़ा जाता है? जी आप दोनों का टाइम हो चुका है अब देखते हैं किसने सही जवाब दिए। आपसे गलती हो गई। खिलता सवेरा हो, जी आपने मोती गिने 33 और आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो प्यारी बच्चियों तस्बीह फातिमा में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार पढ़ा जाता है? 33। जी सुभान अल्लाह। आप बैठिए, आप भी बैठिए। जी तो प्यारी बच्चियों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट गिनती से जवाब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, आइए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पैकेज की तरफ जिसका नाम है आप ही की बातें। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम।
आप ही मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो क्यों? और आप मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? मैं आई थी लेकिन आप कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। अच्छा आप ही देखें, आपके लिए एक लेटर आया है। किसने भेजा है ये? मेरी क्लास फेलो उरुषा ने। क्या लिखा है इसमें? आप भी पता नहीं, मैंने तो अभी तक इसे खोला भी नहीं है। अरे वाह, लेकिन वो क्यों? क्योंकि आप ही आपने बताया था कि किसी का मैसेज किसी का लेटर बगैर परमिशन के नहीं पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा मुझे दिखाएं। आप सब ठीक तो है ना? अब आपके लिए एक काम है। वो क्या आपी? आप मुझे एक पेन और पेपर ला कर दो। जी आपी। आप ही ये किस लिए? अब क्या आप भी लेटर लिखेंगी? जी, आपकी दोस्त उरुषा ने मुझसे कुछ पूछा है, उनको रिप्लाई करना है। आप ही क्या पूछा है? आप मेरे पास बैठे। अब जो मैं आपसे कहती जाऊँ आप लिखती रहे, आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। मेरी प्यारी बहन उरुषा, मैंने आपका लेटर पढ़ा और मुझे खुशी हुई आपने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की। मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिनसे आप इंशाल्लाह क्लास में पोजीशन हासिल करने में कामयाब होंगी। नंबर 1, मेहनत करना कभी ना छोड़ें। नंबर 2, क्लास में जिन स्टूडेंट की पोजीशन आती है उनसे दोस्ती कर लें, उनके साथ बैठा करें। और हाँ, कभी भी उनसे जेलिस ना हो, क्योंकि जेलिसी एक बहुत बुरी आदत है जिसका बड़ा नुकसान जेलिसी करने वाले को खुद होता है। अब ये जेलिसी क्या होती है? वरदान किसी के पास कोई नेमत हो उसे छिन जाने की तमन्ना करना या ये ख्वाहिश करना कि फला को ये नेमत ना मिले, उसे जेलिसी कहते हैं और उर्दू में इसे हसद कहते हैं। ओ, ये होती है जेलिसी, लेकिन आप ये क्यों होती है? मर्दा जेलिसी का एक रीजन दूसरों की नेमतों पर नजर रखना होता है। इसी तरह किसी से नफरत करना भी इसका एक मेन सबब है। अच्छा अब आप लिखें। प्यारी बहन उरुषा, अगर आप इन बातों पर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी पोजीशन भी आएगी और टीचर्स भी आपसे खुश होंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर जगह कामयाब फरमाए। आपकी दोस्त आमना। जी तो प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा पैकेज आपी की बातें। हमें अपनी आपी की और बड़ों की बातें माननी चाहिए। जी तो प्यारी बच्ची और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नेकी की बातें। रोशन किरने, रोशन किरने। प्यारी बच्चियों, मैं इस सेगमेंट में आप लोग को सुनाऊंगी एक स्टोरी। प्यारी बच्चियों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में मैं आपको एक बहुत प्यारी और एक अच्छी सी बात बताती हूँ। और आज की बात ये है कि हमें कभी भी किसी की राज की बात सीक्रेट दूसरों को नहीं बताना चाहिए, बल्कि इसे सेफ रखना चाहिए। आइए मैं आपको इसी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफा की बात है कि मदीने पाक में बच्चे खेल रहे थे, अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे और बच्चों को सलाम किया। फिर एक बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम से भेज दिया। काम की वजह से घर पहुँचने में वो बच्चा लेट हो गया, तो उनकी अम्मी ने सवाल करते हुए पूछा, इतनी देर कर दी, कहाँ थे? बच्चे ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक काम से गया हुआ था। अम्मी ने पूछा,
क्या काम था? उस समझदार बच्चे ने राज की हिफाजत करते हुए अर्ज किया कि वो एक राज सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकता। उनकी अम्मी जान ने तरबियत करते हुए समझाया कि अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज किसी को नहीं बताना। प्यारी बच्चियों, आपको मालूम है ये कौन थे? ये सहाबी रसूल हजरत अनस थे। आपने 10 साल प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। इन्हें खादिम रसूल कहा जाता है। इस वाक्य से मालूम हुआ हमें किसी का राज दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यूं ही घर की बातें अगर कोई हमसे पूछे तो इसे नहीं बतानी चाहिए। जी तो प्यारी बच्चियों, आपने सुना हमें किसी का राज कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जी तो प्यारी बच्चियों और केज मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आज का रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आज का सबक में। इस सेगमेंट में होगा कुछ यूं, आज हम पढ़ेंगे और याद करेंगे घर से निकलने की दुआ, और मैं आपको इसका तर्जुमा भी बताऊंगी और इसको पढ़ने का क्या फायदा है वो भी बताऊंगी। तो आइए पहले हम दुआ याद करते हैं। बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, तवक्कलतु, तवक्कलतु, अलल्लाही, अलल्लाही, बगैर ना ताकत है गुनाहों से बचने की और ना कुव्वत है नेकियां करने की। प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको इस दुआ को पढ़ने का फायदा बताती हूँ। अगर ये दुआ घर से निकलते वक्त पढ़ ली जाए तो इंशाल्लाह आफतों और मुसीबतों से हिफाजत होगी और अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ रहेगी। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। बच्चों का मदनी चैनल।